हेलो दोस्तों, सो फाइनली आई एम बैक। और मैं आज अकेला नहीं आया हूँ और साथ में कुछ हारमोनियम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और नमस्कार, मैं हूँ शुभम कुमार और आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ संगीत शिक्षा हिंदी में, काफ़ी दिनों के बाद। हाँ जी, तो मैं अकेला नहीं आया हूँ। सबसे पहले चीज़ तो मैं हारमोनियम लेके आया हूँ। आपको हारमोनियम दिख रहे होंगे, तीन तरह के हारमोनियम रखे हुए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हारमोनियम के बारे में बताऊँगा और हारमोनियम है, सेल लगी हुई है ना। तो ये ऑब्वियसली परचेजिंग के लिए है, सेल के लिए है, आप परचेज कर सकते हैं। हम सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली मार्केट है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये मार्केट रेट से कम मिलेंगे, मार्केट रेट से सस्ते हैं, बेस्ट है। वो फीचर्स मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा और साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताऊँगा जो लागू होती हैं। इन सभी हारमोनियम के बारे में इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। तो अभी थोड़ा सा लिटिल डिस्क्रिप्शन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले हारमोनियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हारमोनियम, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि हारमोनियम एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बनने के उपरांत जो उसका फीचर्स हैं वो क्या है, कैसे होता है, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। बजाने के लिए नहीं, सिर्फ बनने के उपरांत। तो हारमोनियम जो है वो इंडिया में दो ही जगह के फेमस हैं। सबसे पहला था कोलकाता एंड सेकेंड अमृतसर। अमृतसर के हारमोनियम गुरबानी शब्द गुरुद्वारा में जो प्रयोग होते हैं वो, और कलकत्ता के हारमोनियम जो गज़ल और लाइट म्यूजिक में ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज होते हैं। दोनों ही हारमोनियम जो हमारे पास है वो अमृतसर और कलकत्ता के हैं। साथ ही साथ दोनों ही प्रोफेशनल हारमोनियम की कैटेगरीज में हैं। कुछ फोल्डिंग है, कुछ नॉन फोल्डिंग है और सभी 7 बेलों में है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूँ। जैसे ये आप हारमोनियम देख रहे होंगे, आई होप कि आप देख रहे हो, तो ये फोल्डिंग में है विद 9 स्टॉपर्स, यू कैन सी विद 9 स्टॉपर्स। बड़ा साइज है, 3.5 सब तक के हैं, विद कपलर है, जाली है, 7 बेलो है, ये देखिए, और वेरी स्मूथ इन प्लेइंग, सेम ऐसा बिल्कुल यही है, बस ये फोल्डिंग में नहीं है। बाकी सारा क्वालिटी, रीड क्वालिटी, प्रीमियर रीड है, अमृतसरी लाहौरी रीड है, पानीपत का नहीं है। सबसे पहले चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ। और ये जो हमारा आप देख रहे हैं कलकत्ता का प्रोफेशनल हारमोनियम है, इसमें रीड पॉलिटाना का है। रीड के बारे में बता दूं, पॉलिटाना गुजरात का शहर है, पर इसमें जो पॉलिटाना में बहुत सी रीडें बनती है। पॉलिटाना एक छोटा सा शहर है गुजरात में, कस्बा है, टाउन है, तो उसमें बहुत तरह की रीड बनती है। इसमें रतिलाल सम्राट की रीड है, डीलक्स रीड है, खड़ी कंगी में है और इंग्लिश चाबी में है। ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जैसे कि बताया कि अलग अलग वीडियो में बता दूंगा। 7 बेलो है, फोल्डिंग है और प्योरली फिनिश्ड विथ पीतल, मतलब वी कैन से दैट जो उसकी फिनिशिंग है, जो उसकी बीडिंग्स जो लगी है, वो सब पीतल की है, लोहे की नहीं है। इसमें लोहा है, इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो अब मैं रेट बता देता हूँ, रेट बहुत ज़रूरी है। आपको जो रेट है वो मार्केट प्राइस से कम मिलेगा और विद कोरियर चार्ज इंक्लूडेड है, ज़्यादा नहीं है। ये आपको 15 के अंडर में पड़ जाएगा विद कोरियर कम्प्लीट, फुल्ली कम्प्लीटेड एट योर होम सर्विस, एट योर होम डिलीवरी। ये आपको 9 में पड़ेगा, थोड़ा बहुत हम कंसेशन कर सकते हैं, और ये आपको 19 में पड़ेगा कंप्लीटली विद कोरियर। तीनों ही में कोरियर चार्जेस इंक्लूडेड है, आपको अलग से कुछ नहीं देना। फाइनल प्राइस है 15, 9 एंड 19। तो ये कलकत्ता का है, ये अमृतसर के दोनों है, ये भी 7 मेलो है, 9 स्टॉपर है, बिग साइज हारमोनियम विद 3.25 सब तक है, इसमें ऑक्टेव है, जाली के साथ है और बहुत ही अच्छा साउंड है। साउंड के लिए मैं आपको अगला वीडियो जो एक एक इंडिविजुअली हारमोनियम के मैं बनाऊंगा, इसमें बनाने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ये है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी। फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी तरफ से। कैश ऑन डिलीवरी है विद GST बिल है। साथ ही साथ ये है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी अगर चाहिए तो उसका 500 एक्स्ट्रा है, क्योंकि साथ ही साथ आपको कैश ऑन डिलीवरी जब लेना है तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा एडवांस अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये हारमोनियम लेते हैं 9000 का है, ठीक है, तो आपको अराउंड 3000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर जैसे आप ये लेते हैं तो आपको 5000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये भी लेते हैं तो भी 5000, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। इससे मुझे ये श्योरिटी रहेगी कि आप लेंगे, दैट्स वाई। और आप एडवांस पेमेंट करके भी, ये मेरी गारंटी है, अभी तक सभी को हारमोनियम हमने पहुँचाए हैं। अमृतसर से ये हारमोनियम है, ये कलकत्ता से है, और हमने कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्टेट वाइज अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर, MP, दिल्ली, हरियाणा एंड बिहार एंड UP, सब जगह पहुंचाया है विद एट अ वेरी लो कॉस्ट डिलीवरी चार्ज।
तो आप सब लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं फॉर परचेजिंग, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नीचे मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। मौका है, आप लीजिए। और अच्छा हारमोनियम है, पानीपत का हारमोनियम नहीं है, सो डोंट बाय। आई ऑलवेज रिकमेंड दैट कि डोंट बाय पानीपत हारमोनियम, क्योंकि पानीपत के हारमोनियम में क्या होता है कि जो रीड होती है वो अच्छी नहीं होती है, वुड भी अच्छी नहीं होती है। इसमें देखिए वुड शागन की है, ये भी शागन का है, जिसे बर्मा टीक वुड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फीचर्स मैंने बताए हैं अभी आपको इस वीडियो में। बाकी अलग अलग एक एक वीडियो में मैं इन तीनों हारमोनियम के बताऊंगा। हालांकि इस हारमोनियम के बारे में तो मैंने बताया है वीडियो में, इसका नहीं बताया। और इसमें एक और हारमोनियम आता है जो सेवन बेलों में नहीं होता है, वो डबल बेलों में होता है ना, और इससे छोटा भी आता है डबल बेलों में, और डबल बेलों में नाइन स्टॉपर वाला भी आता है। तो आप वो भी हमसे परचेज कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी ये है, जब आपको प्रोफेशनली हारमोनियम इतने अच्छे रेट में मिल रहा है तो फिर वहां क्यों जाना, आप यहां से ले सकते हैं। और यही हारमोनियम लें, मैं रिकमेंड करूंगा। प्लेइंग टेक्निकली भी बहुत सॉफ्ट वर्क करता है, आपका हाथ नहीं थकेगा, कीज बहुत सॉफ्ट है, देखिए आप देख सकते हैं, विद कपलर है। और जरूरी ये होता है, कुछ चीजें मैं प्रिकॉशंस आपको बता दूं कि प्रिकॉशंस जो है ना, कि आपको कि सर कुछ लोग सवाल पूछते हैं, आप लोगों का सवाल रहता है कि हारमोनियम सर खराब तो नहीं हो जाएगा। देखिए हैंडमेड चीज है, अब आप इसको पटक देंगे तो खराब ही होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होती है तो हैंडमेड है। प्रिकॉशन जो है, जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, देखिए इसको कवर करके रखिए, कवर आपको सबके मिलेंगे इस पे, है ना, कवर करके रखिए। साथ ही साथ बाहर की मिट्टी ना जाए, डस्ट वाले रूम में ना रखें। और जब इसे प्ले करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हेन यू प्लेइंग द हारमोनियम विद द बेलो, थ्रू द बेलो, जब आप हारमोनियम प्ले कर रहे हैं बेलो के माध्यम से, तो बेलो को उतने ही लिमिट तक पंप करें जितना आपको जरूरत है। अगर आप एक्स्ट्रा पंप कर रहे हैं, आवाज हारमोनियम की ज्यादा तेज हो रही है, तो वो रीड पर इफेक्ट करती है, जो आपकी ट्यूनिंग डिफर करेगी, ट्यूनिंग को खराब करेगा, जो आपकी ट्यूनिंग को खराब करेगा। सो इस चीज का ध्यान रखें, बाकी इसमें कुछ भी खराब होने वाली बात होती ही नहीं है। अब आप खराब हारमोनियम लें तो बात अलग है। बाकी अब दूसरी चीज है कपलर, इसमें कपलर नहीं होता कलकत्ता में, कलकत्ता में स्केल चेंजर में होता, आप हमसे स्केल चेंजर भी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें कपलर का यूज किया, एक बार आपने कपलर ऑन कर दिया, यहां से ये ऑफ है, यहां से ये ऑन है, तो यहां से अगर आपने ऑन कर दिया तो आप ऑन रखिए। अगर ज्यादा बेस चाहिए, लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि बेस नहीं है सर हमारे, मेरे हारमोनियम में सभी में बेस आपको अच्छा मिलेगा, आप कपलर यूज करें चाहे ना करें। मैं आपको पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी हारमोनियम का साउंड सुनाऊंगा अगले वीडियो में, इसमें नहीं। तो कपलर एक बार आपने ऑन कर दिया तो ऑन रखें। अब आप इसको अगर बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी नेसेसिटी, तो आई थिंक ये बेकार बात है। आप इसको इस तरह से नहीं करें, कोई खिलौना नहीं है ये, इसीलिए एक इसका पर्टिकुलर वे है यूज करने का, हर एक चीज का, हारमोनियम हो, तबला हो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिकल, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, दीज आर वेरी डेलिकेट थिंग्स, दीज आर मेड बाई हैंडमेड वी कैन से। सो इसमें भी वही चीज है, क्योंकि इसका कपलर कोई क्लिप वाला नहीं है, कहने का मतलब कि कोई स्विच नहीं है इसमें कि स्विच दबा दिया वो दबा रहेगा, नहीं, ये एक पत्ती सी लगी है इसके नीचे, इसीलिए ये वर्क कर रहा है, कह सकते हैं जुगाड़ है बस अमृतसरी हारमोनियम में। पर कलकत्ता वाले जो देते हैं वो स्विच वाला देते हैं, उसमें वो फिक्स रहता है, वो पूरी प्लेट लगाते हैं नीचे बोर्ड की, दैट्स वाई। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अब आप उसको कपलर को आगे ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये गलत है। आपको कपलर की नेसेसिटी है तो आप ऑन रखिए, नहीं है तो इसका कुछ होना थोड़ी ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको फालतू में ऐसे ऐसे कर रहे हैं या फालतू में हवा पंप कर रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, भाई ये एयर इसमें जा रही है तो वो रीड की जो पत्ती होती है वो हिल रही है अपने आप। अब आप इसको प्ले नहीं कर रहे हैं, एयर इसमें जा रही है, बेलो भी फट सकता है, साथ ही साथ आपकी रीड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जितनी वो फालतू में वाइब्रेट होगी उतना वो जगह से हिलने लगेगी, तो उसकी ट्यूनिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, लिटिल बिट, नॉट सो मच, लिटिल बिट, जो एक अच्छे कंसुरे जैसे कहते हैं ना, जो जो तेज होता है सुनने में, उसको समझ में आएगा। तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है सभी हारमोनियम की, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और आप लोग से उम्मीद है कि आप मुझे संपर्क करेंगे और आपको अच्छी चीज मिलेगी, दैट इज माई प्रॉमिस। साथ में बुक्स भी हैं, तबला का भी है, वो आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो इसके बाद मैं सभी के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा फॉर साउंड चेक, फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दैट हारमोनियम, ताकि आपको पूर्णतः जानकारी मिले और भी जानकारी मिले कैसे इसका प्रॉपर फंक्शन है। ओके, सो आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड कीप वॉचिंग संदीप। टेक केयर, लव यू।